सर आज का डिस्कशन होगा। टेस्ट टेस्ट का डिस्कशन था? नहीं, कल मंडे को टेस्ट हुआ था कि डी ब्लॉक का आपका, है यस ना? कल सर। टेस्ट था ना मंडे को? सर हुआ था। तो मैं पहले आपका जो है टेस्ट ले देख रहा हूँ, उसमें किसी का कोई डाउट हो तो पहले मेरे से डिस्कस कर लो आप लोग। सबसे पहले आप टेस्ट निकाल लो, टेस्ट में बेटा देख लो आपके। टेस्ट में डिस्कस कर रहा हूं पहले आपसे, सर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 46। हाँ जी, सर 7-8 क्वेश्चन कंटिन्यू रॉन्ग हो रहे हैं मैं उसमें। चेक कर लेता हूँ बेटा, अभी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, देख लेंगे अपने। तो मैं कंटिन्यू कॉल दे रहा हूँ आपको। तो 45 से था आपका, मेरे ख्याल 46 से स्टार्ट था ना, 46 से लेके 50 तक किसी का प्रॉब्लम? 46 to 50, 49 देखते हैं बेटा सर क्या क्या 49 का कह रहा बताएं है। सर, 49 फोर्टी देखो, कहता है विच वन ऑफ द नाइन का फॉलोइंग अरेंजमेंट डज सर। नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी जो आपको दे रखी है। तो इसमें ऑप्शन देखो आप, चेक करो बेटा डी ब्लॉक के ऑप्शंस। डी ब्लॉक के ऑप्शंस के अंदर आप चेक, मैं चेक करता हूँ बेटा। देखो सर क्या इसका इसमें देखो, आंसर बी भी हो निकिल सकता है, है सर? कोबाल्ट है, आयरन और मैग्नीज है। तो निकिल, कोबाल्ट, आयरन, मैग्नीज, साइज बता रहा है वो लेफ्ट टू राइट। फिर है देखो आपका दूसरा है स्टेबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। स्टेबिलिटी का मतलब एसआरपी वैल्यू वाला है बेटा, स्टेबिलिटी का मतलब एसआरपी वैल्यू वाला है। तो एसआरपी वैल्यू जो है वो आपका जो एसआरपी वैल्यू होगा उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो +2, तो स्टेबिलिटी में सर आप म्यूट हो। एसआरपी वैल्यू से सोल्व करना बेटा स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी देखो, तो स्टेबिलिटी आपने देना है इधर, तो लेफ्ट टू राइट एसआरपी डिक्रीज होता है, तो स्टेबिलिटी क्या होगा इसका? डिक्रीज होगा। यहां स्टेबिलिटी का मतलब, वहां हमने टॉपिक भी किया था एसआरपी वैल्यू से लेना बेटा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि मेटल की देख रहे हो एसआरपी, मेटल का जितना एसआरपी वैल्यू मेटल के लिए, फॉर मेटल, अगर मेटल होता है तो एसआरपी वैल्यू जितना डाउन होगा इतना उसका ऑक्सीडेशन इजिली होगा, ऑक्सीडेशन इजिली कर पाओगे आप। तो ऑक्सीडेशन इजिली होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज बोलोगे, आयंस की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए आप लेफ्ट टू राइट जनरली जाते हो। तो एसआरपी वैल्यू इंक्रीज हो रहा था तो हम कहते हैं कि स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है, और इसमें कुछ एक्सेप्शन थे, याद है कौन कौन से एक्सेप्शन थे? रिविजन कर रहे हो तो याद भी कर लो कि एक मैग्नीज बताया था, एक कॉपर बताया था, मैग्नीज़ और एक नहीं, मैग्नीज बताया था, जिंक बताया था, और एक निकिल। निकिल हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी के थ्रू स्टेबल था, और मैग्नीज जो था D5 और D10 के केस के थ्रू स्टेबल थे। तो अब आप देखो, आप इधर से इधर जा रहे हो तो आप तो कोबाल्ट, आयरन, कॉपर, स्कैंडियम जा रहे हो, तो ठीक है स्कैंडियम की तरफ, मतलब आप इधर से इधर जा रहे हो पीरियोडिक टेबल में, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड नंबर वाला क्लियर है सेकेंड बेटा, सेकेंड वाला क्लियर है? अब सेकेंड पॉइंट में यस सर प्रॉब्लम आ रहा क्लियर था है ना सर। हाँ आपको? सर मुझे लग रहा हाँ, था बी उसको भी हो देखना है सकता है आप। इसकी हाँ नहीं, एसआरपी वैल्यू से सोल्व करना बेटा, ये स्टेबिलिटी का मतलब एसआरपी वैल्यू है। 50 तक किसी का और, एनी मोर प्रॉब्लम अप टू 50? फिफ्टी के बाद आ जाओ बेटा, 52 सर। मैं बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं, नंबर वाइज आ रहा हूं सभी पे। सर ये वाला जो अभी आपने क्वेश्चन बताया है,
हाँ डी सब शेल के इलेक्ट्रॉन से नहीं भेज सकते? नहीं नहीं बेटा, एसआरपी वैल्यू से डी ब्लॉक एलिमेंट में जो स्टेबिलिटी की बात हो रही है वो ये देखना चाहता है कि आयन स्टेबल होगा या नहीं होगा। तो जिसकी एसआरपी वैल्यू कम होती है आयन्स की, मेटल की, मेटल के आयन की एसआरपी वैल्यू कम होती है वो स्टेबल होता है। तो उसको जनरल ट्रेंड जो हमने पढ़ा था ना उससे सोल्व करना है आपने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सीधा नहीं। आपको सोल्यूशन करने के लिए सर, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन भी तो करेक्ट है ना? हाँ तो हमें डज नॉट देना है ना, डज नॉट क्वेश्चन में पूछ रहा था, डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर, इसलिए तो आंसर आपका 4 आया। ये 47 वाला आपका दूसरा कह रहे थे आप, 42 वाला कह रहे, एक ये आया 42, सर 52 52 52 52 हाँ हाँ ये देखो बेटा, ये इसमें आ जाओ आप, आपका था 50 से लेकर के, 50 से लेकर के आपका 52 पूछ रहे हो एक आप, तो 50 52। देखो 52 तो उसमें भी हमने डीपीपी में बहुत बार डिस्कस किया है ये वाला क्वेश्चन, और डीपीपी के साथ आपने किस में डिस्कस किया है, लास्ट वाला कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री किया था हमने उसमें डिस्कस किया है। तो हमारे पास गोल्ड है, गोल्ड गोल्ड होता है एयू, है ना, और गोल्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर साइनाइड के साथ अटैच करना है आपको, गोल्ड को, गोल्ड को साइनाइड के साथ अटैच करना है। तो साइनाइड कोऑर्डिनेशन नंबर गोल्ड का जो होता है वो 2 होता है, तो साइनाइड 2 अटैच होंगे, साइनाइड आपके 2H अटैच होंगे। Ag+1 ऑक्सीडेशन में स्टेट होता है और Au+3 के अंदर होता है, तो Au+3, तो पहला इनका साइनाइड का साइनाइड 2 अटैच करोगे तो पहला कॉम्प्लेक्स बन जाएगा साइनाइड के साथ, तो AuCN2, नेट रिजल्ट निकाल लो बेटा, तो कितना होगा Au2- और 1A1 था ना, +3, 1+1, Ag और Au+1, 1, तो माइनस माइनस वन आ वन जाएगा इसके ऊपर, तो ये कॉम्प्लेक्स आ गया। इसके बाद क्या करोगे आप, जिंक के साथ निकालना चाहते हो, अब जिंक मोर रिएक्टिव है तो Au को रिप्लेस कर देगा, और जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, तो जिंक के साथ 4 साइनाइड अटैच कर दो, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2, 4 साइनाइड अटैच हो जाएंगे बेटा, तो जिंक के साथ 4 साइनाइड अटैच हो जाएंगे, तो नेट रिजल्ट निकाल लो, देखो कितना आया, एक साइनाइड का -1 है तो -4 और +2, तो नेट रिजल्ट इसका कितना आ जाएगा, -2। तो ये दो स्पीसीज देनी थी आपको, मतलब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से हो जाता आपके पिछले चैप्टर से। फिफ्टी टू के ओके बाद बेटा सर, और कौन सा था, 56 तक आ जाओ, 52 के बाद 56 तक किसी का प्रॉब्लम, 56 फिफ्टी सर, सिक्स कह फिफ्टी रहा, थ्री 53, 53 कह रहा था अमोंग द फॉलोइंग विच वन हैज द हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म, जिसके पास सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, जिसके पास सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपका हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म शो करता है। तो देखो पहले वाला क्या एग्जांपल है, पहला आपका फर्स्ट ऑप्शन किसका है, क्रोमियम का, क्रोमियम +3 के अंदर है और वाटर के साथ है, तो क्रोमियम +3 अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल लो, क्रोमियम +3 है तो क्रोमियम में डी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालते जाओ, 3D, बहुत इजी क्वेश्चन थे बेटा ये तो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो 4s2 3d3 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो सिर्फ डी में 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, क्रोमियम अगर +3 है, आयरन +2 है, आयरन +2 के अंदर तो d5 इलेक्ट्रॉन आ गए, आयरन में d5। देखो कॉपर, कॉपर +2 है, कॉपर d9 केस हो गया, और जिंक +2 है, d10 केस हो गया, सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, देखो अब इसमें आ सकते हैं सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसमें आएंगे सबसे ज्यादा, बोलो बेटा, आयरन, आयरन क्रोमियम, नहीं, क्रोमियम में काहे को आएंगे, क्रोमियम में 2 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, D5 हो रहे हैं और वाटर जो है वीक लिगेंड है, तो बनाओ अब, हुक्का बंदी मत किया करो ना बेटा,
वन टू थ्री फोर फाइव, डी फाइव, फाइव अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, क्रोमियम में काहे को आएंगे, थ्री डी टू है, दो ही इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम दो बन पाएंगे, डी फाइव में पांच बन पाएंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन। जिसके पास सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उसी का हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म आएगा। डी टेन में जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेड कह रहा है, डी थोड़ी कह रहा है वो, अनपेड कह रहा है वो, क्लियर? तो छोटी छोटी मिस्टेक्स मत करो, ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये गलत नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट चलो देखो 56 तक, किसी का और? सॉरी, 55 का आंसर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एचसीपी हो रहा है। एलिमेंट ऑफ 12th ग्रुप हैव लैटिस स्ट्रक्चर। नहीं बेटा, एनसीईआरटी में इनकी नीचे स्टार बना के दे रखा है, इनकी अलग टाइप की स्ट्रक्चर होती है, टिपिकल मेटल स्ट्रक्चर बोलते हैं इनको, तभी तो ये सॉफ्ट है। जिंक, कैडमियम, मरकरी आता है 12th में, दोबारा देखना एनसीईआरटी में। सर, एनसीईआरटी में क्या कहते हैं, मरकरी का स्ट्रक्चर नहीं दिया, लेकिन जिंक का और क्या कहते हैं क्यों, कैडमियम का, तो क्योंकि एचसीपी। क्योंकि मरकरी लिक्विड दे रखा है, मरकरी लिक्विड दे रखा है, और जिंक और कैडमियम मतलब ये सॉफ्ट है ना सारी, तो एनसीईआरटी में देखना है, एनसीईआरटी में स्टार बना के लिखा हुआ है, एचसीपी, एफसीसी, और मैंने नोट्स में भी लिखवाया था तुम्हें ये चीज, तो इनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो स्पेशल टाइप की, अलग टाइप की होती है, इसको टिपिकल मेटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। टिपिकल मेटल होता है, एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं, लेकिन उसमें स्टार लगा के दिया होगा, ऐसे स्टार करके नीचे दे रखा है, एनसीईआरटी में देखना आप, दोबारा देखना एक बार, उसी से क्वेश्चन आया हुआ जहां तक मुझे याद आ रहा है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बना हुआ है। सॉफ्ट तभी तो है, एक ये होता है, एक एमएन होता है, नोट्स में भी लिखा है, मैंने नोट लिखवाया है ये नोट्स में। फिर आ जाओ बेटा 56 के बाद, इधर आ जाओ आप, 57 से लेके 89 तक। फिफ्टी सेवन टू एटी नाइन, ये 57 to 59, आगे चलो 62 तक, अगर 59 तक नहीं है तो 62 तक बेटा, 62 तक नहीं है किसी का, 62 सर 63 है। तक तो नहीं है ना, तो आगे चलते जाओ, के बाद आ जाओ आप, 62 के बाद है 63 से 68 तक, 63 63 कह रहा है एन एलिमेंट एम थ्री पॉजिटिव आयन फॉर्म, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, एम थ्री का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है आर्गन 3d1। इसका मतलब अगर ये मेटल होता तो थ्री इलेक्ट्रॉन और होते, अगर इसके थ्री इलेक्ट्रॉन होते तो दो इलेक्ट्रॉन पहले एस से निकले होते और तीन निकाले हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला होता, तो ये वाला केस आ जाता आपका। तो अब निकालना है द आयन इज, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन Ar3d1, द आयन इज, आयन कैसे पूछा, पहले भी आयन बाद में भी आयन, एन एलिमेंट इज इन एम प्लस थ्री स्टेट, ठीक है, प्लस थ्री स्टेट के अंदर आ रहा है आपका फॉर्म, और इसमें कह रहा है इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d1 द आयन इज। तो जैसे आपका स्केंडियम है, स्केंडियम में क्या होता है आर्गन, सर, इस आयन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया मैं है। आयन का दिया हुआ है ना, ये आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहा दिया हुआ है, ये आयन का ही तो लिखा है मैंने, तो आपको निकालना क्या है, एन एलिमेंट इज इन एम थ्री पॉजिटिव फॉर्म, ठीक है, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द आयन इज, आयन पूछ रहा है, तो आयन पूछ रहा है तो आयन निकालो आप, देखो स्केंडियम होता है, सर टाइटेनियम +3 आ रहा है। Ti+3 आएगा ना। M3 पॉजिटिव मतलब 3d1 पूछ रहा है ना आपसे, तीन इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वन, तो यहां तो वन बचेगा नहीं, ये तीन निकालोगे तो टाइटेनियम आ जाएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम का 22 होता है आर्गन, 3d4s2,
फिर 3d2, तो इसमें निकालोगे तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 3 निकालोगे Ti+3 d1 रह जाएगा, 3d1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगर मतलब एम की वैल्यू पूछ रहा है, एम कौन है ये पूछ रहा है। तो M3 पॉजिटिव जिसमें डी में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो ये आ रहा है। और देखो और तो कोई पॉसिबल है नहीं, जैसे स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम चले जाओगे तो ये आर्गन, फिर 3d4s2 और 3d3 हो जाएगा। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 2 यहां से 1 यहां से, तो ये V+2 हो जाएगा। 3 निकालोगे तो 3d2 आ जाएगा, तो 3d2 तो करना नहीं है, 3d1 करना है आपको। तो ये आंसर आ जाएगा आपका टाइटेनियम। सर आंसर सी दे रखा है उसका। Ca2+ आयन, Ca2+ आयन गलत है बेटा, Ca2+ आयन थोड़ी होगा। Ca2+ आयन कितना होता है देखो, 18 होता है, स्कैंडियम नहीं होगा वो, टाइटेनियम आएगा उसका आंसर। नेक्स्ट चलो 64 65 तक, मतलब आगे 68 तक, अप टू 68। 66 66 कह रहा है आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ डी ब्लॉक है। कितना फर्जी क्वेश्चन पूछ रहे हो आप मेरे से। आयनाइजेशन वैल्यू ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर, आयनाइजेशन वैल्यू ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट एज कंपेयर टू आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ सर 66। 66। ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रांजिशन मेटल आर ट्रू एक्सेप्ट, मतलब रोंग बताना है बेटा, रोंग कौन सा होगा इसमें। तो ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट आर प्रीडोमिनेंटली मेटेलिक इन एक्वस सॉल्यूशन, मे ऑफ देयर सिंपल आयन आर कलर्ड, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल शो प्रनाउंस्ड कैटेलिटिक एक्टिविटी, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट शोज प्रोनाउंस्ड कैटेलिक एक्टिविटी, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन शो ओनली वन वेरिएबल स्टेट। ये तो बेटा आंसर गलत है, इसका डी आएगा आंसर। हाँ यस सर, डी होना चाहिए था ना क्योंकि सर। उसमें ऐसे उसकी तो बहुत सारे गलत वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ना, मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट शो प्रोनाउंस कैटेलिक, वो तो होता ही है कैटेलिक, और वन थोड़ी शो करता है, ये क्या करता है, जो ट्रांजिशन मेटल है उनकी तो मेन प्रॉपर्टी है कौन सा, ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल। इसका आंसर जो आएगा वो बी आएगा बेटा, करेक्शन में डाल लेना ये, डाल देना ही। इसका भी और इसका भी गलत दे रखा है ना, इसका वाला, ये वाला 63 वाला, सर 67 भी गलत दे रखा है। 67 है। विच आयन इज नॉट कलर्ड, मतलब कलरलेस कौन से वाला है, तो कलरलेस कौन से वाला आएगा इसमें, Cu+1 आएगा कलरलेस, Cu+1 है। और ये कौन सा दिया हुआ है सेकेंड नंबर वाला, CO2+ आयन, तो आपका Cu+1 और Cr2+, तो Cu+1, क्योंकि ये Cu+1 जो होगा ये आपका होता है D10 केस, तो D10 केस कलर्ड होगा, क्योंकि जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो कलर्ड आ जाएगा। Cr+3, तो Cr+3 तो अभी किया था आपने, कितना आएगा D, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3d5s1 1 उसमें चला जाएगा, 2 इसमें चले जाएंगे, तो D3 हो गया, ये हो जाएगा। कोबाल्ट 2 है तो D7 हो जाएगा ये आपका। ये क्या है, क्रोमियम 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये भी हो जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे D4, Cu+1 में D10 केस आ जाएगा, तो इसका भी डी आंसर आएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसमें नहीं होगा। ठीक है, सर 68 भी गलत है। 68 भी आपका गलत आ रहा है, तो क्या आंसर की इन्होंने गलत लगा दी क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर पैरामैग्नेटिक, मोर सर पैरामैग्नेट Fe+3 होगा ना सर, है, Fe+3 उसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ एफ ई रहे हैं प्लस थ्री के मैक्सिमम। पास 5 थोड़ी होंगे बेटा, एफ ई प्लस टू के पास 5 होंगे ना, नहीं एफ ई प्लस थ्री के पास, सही कह रहे हो। एफ पहला कौन सा, एफ ई प्लस टू है तो ये हो गया 3d6, पहला जो होगा वो होगा 3d6, दूसरे वाला एफ ई प्लस थ्री है तो ये होगा आपका 3d5, इसके पास सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन, तीसरा कौन सा है, बस हो गया, इससे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे, तो एफ ई आएगा बेटा, बी आएगा। ये भी गलत दे रखा आंसर, यस सर, यस सर, सी दे रखा। मैं सही कराऊंगा फिर उसको, मुझे लगता है आंसर की ऊपर नीचे लग गई है फिर, इन तीनों के गलत दिए हुए आंसर। यस सर, यस सर। मैं बात कर लूंगा उनके साथ। नेक्स्ट आ जाओ, सर 70।
69 से लेकर के आप आ जाओ 74 तक, 70, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म कलरलेस कंपाउंड, कलरलेस किसमें होगा जिसमें डी जीरो इलेक्ट्रॉन होगा या डी टेन होना चाहिए, तो स्केंडियम Sc+3, स्केंडियम कितना होता है 3d1 4s2, तो यही हो जाएगा, स्केंडियम ही हो जाएगा सर उसमें कलरलेस। टाइपिंग एरर है, सेलेरियम दे रखा है और उसके बाद नीचे कोई हो नहीं सकता है। एस स्केंडियम Sc वेनेडियम, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल इन्हीं में से देगा, वेनेडियम देखो वेनेडियम हो नहीं सकता, नो सर, टाइटेनियम भी नहीं हो सकता, नो सर, क्रोमियम भी नहीं हो सकता, सिर्फ क्या हो सकता है स्कैंडियम, फर्स्ट आ सर जाएगा ऑप्शन ये। में स्कैंडियम नहीं सेलेनियम दे रखा है, SE। ऑप्शन में सिलेनियम दे रखा है, यस Se नहीं होना चाहिए, फिर ये करेक्शन है, Se होगा क्योंकि सिलेनियम का तो मतलब ही नहीं है यहां पर, यहां पर तो सारे डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, स्कैंडियम होना चाहिए। ना आंसर सी दे रखा है। वो तो बेटा मैंने बोल दिया ना कोई आंसर ऊपर नीचे हो गया, जिससे इसलिए जो आ रही है वो आपकी आंसर की ऊपर नीचे आ रही है। देखो सॉल्यूशन तो सबके सही दे रखे हैं, देखो सर स्कोर बहुत कम आया हमारा टेस्ट में, इसीलिए। इस वो अगर आंसर की सही करवा देंगे तो सही हो जाएगा वो तो, आंसर की गलत होगी तो स्कोर कम हो गया ना, अफेक्ट हो गया फिर। यस सर, वो सही करवा दूंगा, दोबारा आ जाएगा, करेक्शन हो जाएगा उसमें। नेक्स्ट आ जाओ, आप तो देखते जाओ बस, आंसर आपका सही था या नहीं था वो देखते जाओ आप, वहां से सही करवा दूंगा मैं। फिर सर आ जाओ सेवेंटी 74 सेवेंटी तक, वन भी गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग, वो तो मुझे लग रहा है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आंसर ऊपर नीचे कुछ भी हुआ है तो सारा इफेक्ट हो गया, आप आंसर सही निकालो उसका। फॉर्म कलरलेस कॉम्प्लेक्स बता रहा है आपको, कलरलेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू फॉर्म सर कलरलेस, तो डी जीरो करना है अपने को देखो, या डी टेन करना है, तो डी जीरो दिखाई दे रहा है कोई, बी वाला आ जाएगा, डी टेन है, बी आ जाएगा इसका। बाकियों में तो सब में देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सेवेंटी फोर तक सर 72। 72 क्यूप्रस, ये देखो साफ बता ही रहा है, अगले वाले क्वेश्चन में हिंट ही दे दिया उसने, क्या कह रहा है क्यूप्रस आयन इज कलरलेस, तो ये क्यूप्रस ही तो है D10 वाला, वाइल क्यूप्रिक आयन इज कलर्ड, क्यूप्रिक बिकॉज क्यूप्रिक में जो होगा अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्यूप्रिक में +2 आयन में DD ट्रांजिशन होगा, तो क्यूप्रस आयन में जो क्यूप्रस आयन हैज इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल एंड क्यूप्रिक आयन हैज कंप्लीट डी ऑर्बिटल, क्यूप्रस आयन हैज, तो बताना क्या है, इज कलर्ड बिकॉज आंसर डी बोथ, होगा हाँ मैं देख लेता हूँ, बोथ हैव हाफ फिल्ड फी फिल्ड, क्यूप्रस हैज इनकम्प्लीट, ये गलत बात है, बोथ हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, क्यूप्रस आयन हैज कंप्लीट डी ऑर्बिटल, हाँ ये सही है, क्यूप्रस आयन कंप्लीट डी ऑर्बिटल, क्यूप्रिक का इसका भी 4 आएगा, डी आएगा इसका। 74 तक और सर 73, 74, 76 और गलत है। तो मतलब मुझे आपको सिर्फ सही आंसर बताने होंगे ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू फॉर्म कलरलेस कॉम्प्लेक्स, कलरलेस वापिस वही क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर भी आएगा, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन कोबाल्ट एटम, कोबाल्ट आ गया D7 4s2, तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे D7 के अंदर देखो, सर 3 आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 आंसर हो जाएगा इसका, बी आंसर आ जाएगा। इसमें आंसर की आपका गलत लगा हुआ है, वो मैं सही करवा दूंगा आंसर की इसका, आप ये देखो कि आपको क्वेश्चन ऐसे जिसमें कोई डिफिकल्टी आ रही हो वो देखो आप, सर 76 और है बस। 74 के बाद 76 है आपका, है 76 कह रहा है, जिंक एंड मर्करी डू नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी डाई बिकॉज
बिकॉज इनका डी सेल कंप्लीट होता है, इन सभी का जो डी सेल होगा सर आंसर सी दे रखा जो गलत वो तो, है। वो तो गलत है ना बेटा, वो तो मैं कह रहा हूँ कि ऊपर से नीचे एक गलत होते ही ऊपर नीचे सारा गलत हो गया, तो वैसे चेक हो गया वो। आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखो कि मेरे हिसाब से ये आंसर आना चाहिए, ये है। और देखो 80 तक, अप टू 80। सर 77 का डी आ सकता है। डी क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेबिलिटी ऑफ टू ऑक्सीडेशन स्टेज इज करेक्टली गिवन, इन विच ऑफ फॉलोइंग द स्टेबिलिटी ऑफ टू ऑक्सीडेशन स्टेट इज गिवन। सी यू डी तो गलत है बेटा, सी यू प्लस वन नहीं, सी यू प्लस टू ज्यादा स्टेबल है, स्पेशल लिखवाया है देखो मैंने नोट्स में। आप नोट्स को अच्छी तरह पढ़ते नहीं हो, इसका मतलब आपने इसको D10 से सोल्व कर दिया बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। मैंने बताया था कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपाउंड मिलते हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर स्टेबल, SRP होता है ना मेन स्टेबिलिटी को डिसाइड करने वाला, तो Cu+2 में मिलेंगे जितने कंपाउंड मिलेंगे आपको, ज्यादातर कॉपर के जितने कंपाउंड सोच लो, ज्यादातर स्टेबल कंपाउंड सोच, जैसे कॉपर सल्फेट, फोर्थ क्लास से पढ़ रहे हो आप, कॉपर सल्फेट बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, +1, इसलिए मैंने नोट्स में भी लिखाया है Cu+1 से Cu+2 ज्यादा स्टेबल होता है, Cu+2 इज मोर स्टेबल देन Cu+1 बिकॉज रीजन क्या, थर्मोडायनेमिक रीजन है, बिकॉज Cu+1 इज डिसप्रोपोर्शनेट कैसे होता है, बहुत कंपटीशन पूछा, ऐसे ही क्वेश्चन तो एग्जाम में आएंगे, इसलिए नोट्स में जब ऐसा कुछ आता है जो आपको जर्नल से अलग लगता है तो उसको आप याद क्यों नहीं करते हो यार। Cu+1, Cu+1, Cu+Cu+2 इसमें बनेगा, बन के इसमें इवन इसका D10 कॉन्फिगरेशन है, तभी तो बोल रहे हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबिलिटी नहीं देता है, स्टेबिलिटी जो है मेटल की SRP वैल्यू से आती है, तो कई जगह आपका इवन Cu+1 D10 है तब भी Cu+2 के कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि Cu+1 डिस्प्रोपोर्शनेट होके Cu+Cu और Cu+2 में कन्वर्ट हो जाता, इसलिए फोर्थ नहीं आएगा। और देख लो बेटा किसी में कोई डाउट है, हाँ ऐसे क्वेश्चन पे जरूर डिस्कस किया करो, जैसे CU वाला आया अभी, तो नेक्स्ट आ जाओ देखो यहां पर 86 तक किसी का, अप टू 86। 86 कौन सा बेटा, आवाज ब्रेक हुआ है आपका? 86 इन द ग्राउंड स्टेट एन एलिमेंट हैज 13 इलेक्ट्रॉन इन एम सेल, द एलिमेंट इज, बेटा बना लो कॉपर का कितना है, Cu है, आर्गन तक 18, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 3d में 10 होते हैं, तो ये आपका के शेल, ये आपका सेकेंड वाला एल शेल, ये थर्ड वाला एम शेल, तो कोपर के जो एम शेल है उसमें 6 और 2 8 18 इलेक्ट्रॉन है, वो कह रहा है ऐसा बताओ इन द ग्राउंड स्टेट एंड एलिमेंट हैज 13 इलेक्ट्रॉन इन एम शेल, तो बनाते जाओ सारे, जैसे देखो आप क्रोमियम, क्रोमियम का होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 3d में 5 होते हैं, तो 5 होंगे तो ये m शेल थर्ड वाला हो गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन देख लो कितने हो गए, 6 और 2 8 और 4 13 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो क्रोमियम वाले के अंदर 13 है, निकिल वाले में, निकिल तो निकिल में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s2 और 3d 8, तो थर्ड शेल ये रहा, इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए 16 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो क्वेश्चन आंसर मिल गया ना आपको कि ग्राउंड स्टेट में एम शेल, एम शेल मतलब थर्ड शेल में 13 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, तो सारों का बना के देख लो, तो इसमें पता लग जाएगा।
और 90 तक देख लो बेटा किसी का। नाइन्टी तक किसी का और नाइन्टी तक। तो ये आपका इसमें था, इसकी की मैं दोबारा चेक करके इसका रिवाइज चेक डाल देंगे। अब मैंने आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स की लास्ट में जो प्रॉपर्टी बताई थी वो K2Cr27 का किया था बेटा हमने। K2Cr27 की प्रॉपर्टी में मैंने ये रिएक्शन करवा दी थी, क्रोमिल क्लोराइड रिएक्शन। क्रोमिल क्लोराइड रिएक्शन कुछ याद आ रहा है आपको भाई? कहां तक किया था हमने? क्रोमिल सर एक क्लोराइड टी है रिएक्शन तक किया था बेटा पिछली क्लास में। कहां तक करवाया था बोलो, बताओ मुझे। डी ब्लॉक एलिमेंट कहां तक किया था हमने लास्ट क्लास में? कहां तक सर, कॉमन क्लोराइड की इक्वेशन लिखवा दी थी। यहां तक किया था ना, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट तक करवा दिया था ना बेटा। सर अब रहने दो 88, क्योंकि इतनी देर में पूछ रहा हूं। अब जब मैं आगे निकल आया अब कह रहे हो आप 88। अब लास्ट में पूछ लेना आप। फिर आप कहते हो सर सिलेबस भी टाइम पे करने हैं, सारी चीजें करनी है। आपने कितना गैप लिया है देखो, आपको तो टिक लगा होना चाहिए था कि सर ये पूछना, मैं पूछ के आया हूँ 90 तक, कोई बोले नहीं। अब कह रहे हैं सर 188 बताओ सर, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। फिर ऐसे तो आप इतने बच्चे हो, एक एक करके पूछते रहना, पूरी क्लास इसी में निकाल देना, पढ़ाई हो गई। जो मैं पूछता हूं बोलते नहीं हो, अपनी तरफ से ही पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो। तो मैंने आपको क्रोमिल क्लोराइड तक यहां रिएक्शन करवाया था, क्रोमिल क्लोराइड तक। क्रोमिल क्लोराइड के बाद भी जो होती है कुछ रिएक्शन हमारी डाइक्रोमेट आयन्स की होती है। तो रिएक्शंस ऑफ डाइक्रोमेट आयन्स, रिएक्शन ऑफ डाइक्रोमेट आयन्स में देखो, अदर इंपोर्टेंट रिएक्शन में एक आता है आपका, इससे आप रिएक्शन देते हो एक केमिकल वोल्केनो इफेक्ट। केमिकल वोल्केनो इफेक्ट, केमिकल वोल्केनो इफेक्ट जो है वो भी पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन से दिया जाता है। इसमें अगर हम अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं, ऑन हीटिंग ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, ऑन हीटिंग ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट तो नाइट्रोजन प्रोड्यूस होती है। ऑन हीटिंग ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट N2 इज प्रोड्यूस्ड विद ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ऑन हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट N2 इज प्रोड्यूस्ड विद ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इट गिव्स वॉल्केनो लाइक इफेक्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फिर आती है आपकी पोटेशियम डाइक्रोमेट की। अदर कुछ रिएक्शंस कल हमने की थी उसमें, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में अगर अमोनियम पोटे जो है आपका अमोनियम डाइक्रोमेट है, अमोनियम डाइक्रोमेट का फार्मूला देखो, अमोनियम डाइक्रोमेट ये फार्मूला होगा NH4 ट्वाइस Cr2O7 अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर आप हीट करोगे तो ये जो अमोनियम में नाइट्रोजन है ये एज ए N2 गैस बन के बाहर निकलेगी, और N2 गैस हाईली स्टेबल कंपाउंड है।
और जब भी कोई हाईली स्टेबल कंपाउंड बनता है तो बहुत सारा अमाउंट एनर्जी का बाकी बनाते रहो, Cr2O3 और बैलेंस करते रहो, H2 वगैरह बाहर हो जाएगा और साथ में बहुत सारी अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी। तो ऐसा लगेगा जैसे लेबोरेटरी के अंदर वैसा इफेक्ट आता है जैसे वोल्केनो के टाइम इफेक्ट आता है। तो इसको बोलते हैं केमिकल वोल्केनो इफेक्ट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गिव्स इफेक्ट लाइक वोल्केनो। तो इफेक्ट लाइक वोल्केनो जब देगा तो आपने ये वाला देना है अमोनियम, इसको बोलते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट। तो अमोनियम डाइक्रोमेट का एक आपने ये वाला रिएक्शन जो है वो देना है। तो देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट में हमने जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन की थी, एक तो जनरल हीटिंग इफेक्ट किया था, हीटिंग इफेक्ट के बाद K2Cr2O7 की मैंने क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट करवाया था आपको कल की क्लास में। फिर देखो ये वाला रिएक्शन है केमिकल वोल्केनो इफेक्ट, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो आपका इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है KMnO4 से, इसकी क्वेश्चनिंग ज्यादा आती है KMnO4 से। दूसरी रिएक्शन इसकी जो इंपॉर्टेंट है वो है रिएक्शन विद हाइड्रोजन परऑक्साइड। H2O2 के साथ रिएक्शन है इसका, तो H2O2 के साथ रिएक्शन है, K2Cr2O7 का H2O2 के साथ रिएक्शन करोगे आप। लेकिन ये रिएक्शन डिपेंड करेगा मीडियम पर, अगर आपने एसिडिक मीडियम ले लिया जैसे एच पॉजिटिव आयन, या आपने एल्केलाइन मीडियम ले लिया, तो दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं और दोनों ही प्रोडक्ट काफी इंपोर्टेंट होते हैं। एल्केलाइन एल्केलाइन मीडियम, एल्केलाइन मीडियम मतलब OH नेगेटिव। तो अगर आपने एसिडिक मीडियम लेके H2O2 से रिएक्शन किया तो एक ब्लू कलर का कंपाउंड बनेगा, सॉल्यूशन होता है वैसे Cr O5 ब्लू। जिस ब्लू कलर का Cr O5 होता है इसकी स्ट्रक्चर जो होती है बटरफ्लाई जैसी होती है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बनता है इसका। मतलब बटरफ्लाई स्ट्रक्चर का मतलब Cr डबल बॉन्ड O, ये आपके जो 11th क्लास में रिडोक्स चैप्टर होता है वहां पूछा जाता है बहुत ज्यादा, और यहां पर आपका 12th के अंदर फिर K2Cr2O7 की रिएक्शंस हैं तो उनके साथ पूछा जाता है। तो Cr O5 ब्लू कलर का है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है। इसकी स्पेशलिटी क्या है देखेंगे आप, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी स्पेशलिटी। इसमें देखो यहां पर क्रोमियम में एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसलिए इधर -2 चार्ज आएगा, इधर +2, और इधर -1 है, ये +1 -1 है, +1 -1 है, +1, और इधर भी -1 है, ये +1। मतलब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आपके लिए इंपोर्टेंस रखता है यहां पर। तो यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो 2, 3, 4, 5, 6 आएगा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। और देखो टोटल 5 ऑक्सीजन है जिसमें से 1 क्रोमियम है, 4 ऑक्सीजन है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, वो परऑक्साइड वाले हैं, और एक ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड वाला है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2 है। तो एग्जाम में ये पूछा जाएगा आपसे कि Cr O5 जो है उसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, देन यू विल गिव +6। और ऑक्सीजन का पूछेगा तो आप बोलोगे देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनमें -1 -1 -1 है, और एक ऑक्सीजन ऐसा है -2 है। इसका मतलब जो -1 वाले हैं वो परऑक्साइड है, और जो डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है वो आपका ऑक्साइड आयन है। और इसके अंदर दो लिंकेज देखोगे तो ओ और ओ के बीच में जो लिंकेज होता है वो आया क्यों है, क्योंकि H2O2 के अंदर जो ये होता है ये परऑक्साइड होता है, तो 2 परऑक्साइड लिंकेज आए हैं इसमें, 2 परऑक्सी लिंकेज। तो Cr O5 में 2 परऑक्सी लिंकेज है। लेकिन अगर आपने एल्केलाइन मीडियम दे दिया, OH नेगेटिव आयन दे दिया बेटा, एल्केलाइन मीडियम दे दिया, तो फिर यहां पर आपका Cr O8 आयन बनेगा एक, जो रेड कलर का होगा, वायलेट या रेड कलर का होगा। Cr O8 में सारे के सारे परऑक्सी लिंकेज होंगे, इसलिए आप इसको ऐसे याद करो Cr 4 के 4 परऑक्सी लिंकेज होंगे, 3 नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे क्रोमियम का, देखो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, सपोज क्रोमियम का एक्स है पर ऑक्सीड का -1 -1, टोटल -2 × -8 = -3। तो एक्स की वैल्यू देखो +5 आ गई। तो अगर आपका Cr O8 में आएगा तो यहां पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, लेकिन Cr O5 ब्लू वाले में देखा था आपने +6 ऑक्सीडेशन स्टेट था, यहाँ 8 के 8 ऑक्सीजन पर ऑक्साइड है, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, इसलिए यहां पर आप बोलोगे हेयर
फोर पर ऑक्सीलिंग के, यहां पर आपके फोर परऑक्सीलिंग केज आएंगे। सीआरओ फाइव में दो परऑक्सीलिंग केज थे, यहां पर आपके चार परऑक्सीलिंग केज आएंगे। तो एक रिएक्शन आपकी जो है अमोनियम डाइक्रोमेट वाली हो गई, एक रिएक्शन आपकी ये एसिडिक बेसिक मीडियम में H2O2 के साथ रिएक्शन हो गया आपका। फिर एक रिएक्शन आता है बेटा इसका, वो भी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में करते हो आप, जो सल्फाइट होता है, सल्फाइट में सल्फाइट आयन की टेस्टिंग में यूज करते हो आप। तो एक रिएक्शन और दे देते हैं यहां पर, नेक्स्ट। टेस्टिंग ऑफ सल्फाइट आयन, सल्फाइट आयन का फार्मूला होता है बेटा SO3 2 नेगेटिव। इसमें क्या होता है कि जैसे टेस्ट ट्यूब लेते हैं, जैसे आपने क्लोराइड आयन टेस्ट लिया था, ये टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में सपोज आपके पास सल्फाइट आयन है वाटर के अंदर, जैसे मैंने टेस्ट ले लिया Na2SO3 का टेस्ट करना है, तो इसको आप हीट करोगे, हीट करके इसके अंदर आप मिला दो K2Cr2O7 और एसिडिक मीडियम दे दो H2SO4 में। जब K2Cr2O7 और H2SO4 का एसिडिक मीडियम दोगे Na2SO3 के साथ दोगे आप, तो यहां पर एक गैस निकलेगी बाहर। ये गैस जो होगी वो आपकी कलरलेस जो है गैस होगी, जिसके साथ आप एक काम करो, इसको डायरेक्ट ना डाल करके ये सोचो कि एक फिल्टर पेपर डाला है आपने इसमें भिगो करके। इस फिल्टर पेपर से जैसे ही ये कलरलेस और ओडरलेस गैस रिएक्ट करेगी, तो ये जो आपका फिल्टर पेपर होगा ग्रीन हो जाएगा। अगर ग्रीन फिल्टर पेपर हो जाता है, इट मींस ये सल्फाइट है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप Na2SO3 को हीट करते हो, तो ये जो कलरलेस ओडरलेस गैस होती है, ये SO2 गैस होती है, और SO2 गैस जो है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिएक्शन करता है। Cr2O7 SO2 गैस से रिएक्ट करता है एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करके ये क्रोमियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्रोमियम का सल्फेट बना देता है Cr2SO4 थ्राइस। तो यहां क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ जाता है, यहां क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 था, तो ये क्या कर देता है, क्रोमियम जब +6 से +3 में आता है तो ये ग्रीन कलर का होता है। क्रोमियम सल्फेट जब भी आप देखो क्रोमियम +3 आयन होगा तो वो आपका ग्रीन कलर का होगा, तो ये ग्रीन इसलिए हो जाता है आपका सल्फेट आयन। तो किसी भी फिल्टर पेपर को जो पोटेशियम डाइक्रोमेट से डिप हुआ हुआ हो एसिडिक मीडियम में, अगर उसको सल्फाइट आयन से हीट करने वाली गैस के कंटेक्ट में लाते हैं अपने, तो वो ग्रीन हो जाता है। रीजन देना है बिकॉज पोटेशियम डाइक्रोमेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये क्या कर देता है, अपना क्रोमियम +6 से खुद का रिडक्शन कर देता है, +3 में आ जाता है, और +3 में आने से इसमें जो होता है ग्रीन कलर प्रोड्यूस होता है। तो देखो बेटा, मैंने लास्ट क्लास में आपको जो टेस्ट बताया, फोर के फोर टेस्ट आज वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपको मैंने क्रोमिल क्लोराइड क्लास लास्ट टाइम बताया था, लास्ट में एंडिंग में, आज मैंने आपको तीन टेस्ट और बताए, तीन रिएक्शन और बताई हैं। पहली रिएक्शन मैंने बताई अमोनियम डाइक्रोमेट, मैंने कहा कि अमोनियम डाइक्रोमेट, ये भी डाइक्रोमेट आयन का है, अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करोगे तो नाइट्रोजन बनेगी और ये ऐसा इफेक्ट देगी जैसा केमिकल वोल्केनो इफेक्ट आ रहा हो। दूसरी रिएक्शन मैंने आपको दी है H2O2 के साथ, हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ, हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ मीडियम डिपेंड करेगा कि आपका क्या केमिकल बनेगा। अगर आप एसिडिक मीडियम दोगे तो ब्लू कलर का बटरफ्लाई स्ट्रक्चर वाला Cr(O)5 बनेगा। Cr(O)5 जो एक लिक्विड होता है ब्लू कलर का, ये Cr(O)5 जो है इसमें टू परऑक्सीलिंकेज होते हैं और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 होता है। इसी टाइप से अगर आपने इसी को बेसिक मीडियम दे दिया तो सारे के सारे परऑक्साइड लिंकेज आ जाएंगे और Cr(O)8 3 नेगेटिव बनेगा, जिसमें फोर परोक्सीलिंकेज मतलब 8 ऑक्सीजन माइनस वाले आ जाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट उसका चेंज हो जाएगा, +5 आएगा। और सल्फाइट आयन का टेस्ट करने के लिए भी पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में आप यूज करते हो तो ग्रीन कलर आ जाता है। आपसे पूछा जाएगा ये ग्रीन कलर क्यों आ रहा है, तो आप आंसर देंगे कि इस ग्रीन कलर के आने का रीजन जो है वो आपका है क्रोमियम आयन बनना, Cr+3 आयन बनना। डाइक्रोमेट तो ऑरेंज रेड कलर का होता है, Cr+3 जो होता है वो आपके ग्रीन कलर का होता है। तो बेटा एक बार रिपीट कर दो तीनों रिएक्शन जो अभी अभी पढ़ी है। पहले मुझे बताओ केमिकल वोल्केनो इफेक्ट कौन देता है और क्यों देता है, अमोनियम डाइक्रोमेट जी अमोनियम डाइक्रोमेट क्या करते हैं अमोनियम करते हैं डाइक्रोमेट को, तो हीट हीट कर
हीट करते हैं, है, कोई केमिकल नहीं मिलाते, सिंपल हीट करते हैं। हीट करने से क्या होता है? नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस बनती है जो काफी स्टेबल है। नाइट्रोजन जितनी स्टेबल चीज बनती है गैस। उतनी अमाउंट हीट की बहुत रिलीज होती है, इसलिए ऐसा लगता है जैसे वहां पर, ऐसे लगेगा जैसे वॉल्केनो जैसा धमाका होगा, इफेक्ट आएगा। दूसरा मैंने बताया कि पोटेशियम डाइक्रोमेट H2O2 के साथ रिएक्शन करता है, तो H2O2 के साथ क्या बनाता है? H2O2 के साथ क्या बनाएगा बेटा? हाइड्रोजन बटरफ्लाई परऑक्साइड के साथ। स्ट्रक्चर CR होता है। हाँ फार्मूला, हाँ फार्मूला बताओ दोनों का। एक बनाएगा CrO5, CrO5 सर कौन से मीडियम में बनेगा? एसिडिक मीडियम एसिडिक में। और बेसिक में क्या बनेगा? CrO8। CrO8 3 नेगेटिव, सीआरओ हाँ एट भैया, थ्री नेगेटिव आयन। तो इसमें मुझे बताओ CrO5 में कितने परोक्सी लिंकेज होंगे? टू सर टू। 2 परोक्सी लिंकेज। और CrO8 थ्री नेगेटिव में कितने होंगे? 4 परोक्सी लिंकेज। फोर सर ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में क्या क्या आएगी क्रोमियम की? फोर प्लस सर सिक्स प्लस किसमें? सिक्स सीआरओ सीआरओ फाइव फाइव में। में प्लस सिक्स। जो मैं पूछ रहा हूं ये एग्जाम के क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। जो CrO8 3 नेगेटिव है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? फाइव प्लस फाइव सर एट। वहां पर आएगा 5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये आपकी कुछ रिएक्शंस हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ ले जाता हूं यहां पर। फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ न्यूमेरिकल पार्ट भी यहां पर बन सकता है आपका। देखो मैंने आपको पहले एक बताया होगा, 11th के नॉलेज की तरफ ले जाता हूं, नॉलेज क्लाउड। किसी का भी अगर एक इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेशन होता है, ये निकालना हो हमें, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है फार्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर। यहां पर एन फैक्टर का मतलब जो होता है वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पर स्पीसीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पर स्पीसीज। तो हम किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल, आपने यहां काफी दो इंपोर्टेंट आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक है आपका MnO4 नेगेटिव आयन। MnO4 नेगेटिव आयन को बेटा बोलते हैं पर मैंगनेट आयन। पर मैंगनेट आयन, अब ये आपको याद करना होता है, पर मैंगनेट आयन जब कभी भी एसिडिक मीडियम दोगे तो ये कन्वर्ट होता है Mn2 पॉजिटिव आयन में। MnO4 नेगेटिव आयन इन एसिडिक मीडियम इज कन्वर्टेड इनटू Mn2 पॉजिटिव आयन। इसी को अगर आप न्यूट्रल मीडियम दोगे या एल्केलाइन दोगे, दोनों ही न्यूट्रल और एल्केलाइन, तो ये आपका कन्वर्ट जो होता है MnO2 में कन्वर्ट होता है। और मैंने अगर आपको स्ट्रोंग एल्केलाइन मीडियम दे दिया इसका, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका MnO4 2 नेगेटिव में। याद करना है आपको, तो MnO4 नेगेटिव एसिडिक मीडियम दोगे किसमें कन्वर्ट होगा? Mn2 पॉजिटिव में। MnO4 नेगेटिव न्यूट्रल या एल्केलाइन मीडियम दोगे तो कन्वर्ट होगा MnO2 में, और स्ट्रॉन्ग होगा तो MnO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। करवाया था पहले, नहीं करवाया ये अभी चीज? अब आप सर बताया लास्ट था, क्लास में हाँ बताया इसी को था। लेके आगे करने जा रहा हूं मैं, कुछ न्यूमेरिकल पार्ट कराऊंगा मैं भी। तो इसमें क्या होगा, आपको एन फैक्टर निकालना है सपोज। तो एन फैक्टर देखो कैसे निकालते हैं, एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, आप मैग्नीज का मीडियम चेक कर लो और दोनों साइड मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो आप। तो यहां मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे MnO4 नेगेटिव में तो ये आएगा +7,
अब यहां और यहां दोनों जगह डिफरेंस चेक करो मैग्नीज के ऑक्सीडेशन स्टेट का, कितना डिफरेंस आ रहा है देखो। पिछली बार भी बताया मैंने, उसी को रिपीट कर रहा हूं, हालांकि 11th का टॉपिक है ये, बेसिक कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट और रिडोक्स वाला। Mn का इधर +7 है और इधर +2 है, सर कितने का डिफरेंस आ रहा है +7 से +2 में? डिफरेंस, मेरे एक एक वर्डिंग पे ध्यान देना बेटा, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में जा रहे हैं अब हम। +7, 5 का डिफरेंस आया एसिडिक मीडियम में आपका, तो 5 का डिफरेंस आया, तो अब इस स्पीसीज में देखो मैग्नीज हैं कितने, MnO4 नेगेटिव में 1 Mn, तो n फैक्टर आ गया 1, 5 × 1। ऐसे ही यहां निकाला था हमने, याद आ रहा है MnO2 में कितना आया था, क्योंकि मैग्नीज का इधर ऑक्सीडेशन गुड बेटा, इधर +4 था, डिफरेंस आया था 3 × 1, और ऐसे ही इसमें निकलवाया था मैंने आपको 1। बिल्कुल सही है, याद है आप लोगों, ये आपने MnO4 के n फैक्टर ऐसे किए थे। ऐसे ही क्या है कि जैसे MnO4 का n फैक्टर किया, ऐसे ही हमारे पास एक फेरस सल्फेट होता है FeSO4। तो फेरस सल्फेट जो कन्वर्ट होता है वो फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट होता है, Fe2SO4 थ्राइस। ये भी याद आ रहा है एन फैक्टर कितना किया था फेरस सल्फेट का, यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ बिल्कुल सही है, यहां फेरस सल्फेट का चार्ज जो आ रहा है +2 आ रहा है, और यहां फेरिक सल्फेट है तो +3 आ रहा है, हमें तो इसके लिए देखना है। तो +2 से +3 कितने का डिफरेंस आया था, 1 का, और एक ही फेरस है, इसलिए जब भी फेरस सल्फेट आ जाए तो आपने एन फैक्टर 1 यूज करना है, फेरस सल्फेट आ जाए। MnO4 का अलग अलग मीडियम में अलग अलग आएगा, फेरस सल्फेट जब कभी भी आएगा तो एन फैक्टर आपने 1 यूज करना है। अगर फेरस सल्फेट, इसका नाम है बेटा जो अभी मैंने लिखा है फेरस सल्फेट, नेक्स्ट है फेरिक फेरस ऑक्सलेट FeC2O4, इसका याद आ रहा है क्या एन फैक्टर बताया था फेरस ऑक्सलेट का, एक्सप्लेन भी किया था हमने पूरा फेरस ऑक्सलेट। तो फेरस ऑक्सलेट में जो फेरस होता है वो भी चेंज हो जाता है +3 में, फेरस में भी चेंज आता है और कार्बन में भी चेंज आता है, वो CO2 में कन्वर्ट होता है। तो फेरस ऑक्सलेट का टोटल एन फैक्टर हमको निकालना होता है, तो फेरस का भी देखना पड़ता है, कार्बन का भी देखना पड़ता है। तो फेरस वाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं अभी किया आपने, जैसे आपने फेरस से फेरिक निकाला, तो यहां फेरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और फेरिक का +3, तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एन फैक्टर निकालूंगा आयरन के केस में तो कितना आएगा, देखो +2 से +3 डिफरेंस आया 1 का, और फेरस 1 ही है यहां पर, तो एन फैक्टर 1 हो गया। बट यहां पर कार्बन भी चेंज हो रहा है फेरस ऑक्सलेट में, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो फेरस का +2, एक कार्बन का एक्स, दो का 2x, एक ऑक्सीजन का -2 -8 = 0, तो यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी +3, तो यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +3, और यहां कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +4 CO2 में। कार्बन का x, दो ऑक्सीजन का -4 = 0, x इज इक्वल टू +4, तो ये भी +3 से +4 कार्बन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो फेरस ऑक्सलेट में आयरन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन का भी हो रहा है, तो इसका भी कार्बन के रिस्पेक्ट निकाल लूंगा एन फैक्टर, तो देखो +3 से +4 डिफरेंस आया बेटा 1 का, लेकिन कार्बन है कितने आपके पास, यहां देखो 2, तो कार्बन का एन फैक्टर आया 2, आयरन का एन फैक्टर आया 1, मुझे टोटल फेरस ऑक्सलेट का चाहिए, एन फैक्टर ऑफ फेरस ऑक्सलेट, तो इसमें आयरन का भी चेंज हुआ है ऑक्सीडेशन, कार्बन का भी ऑक्सीडेशन हुआ है, तो सम लगा दूंगा, तो आयरन का 1 और कार्बन के रिस्पेक्ट 2, तो टोटल एन फैक्टर आ गया 3। अब जरा रिपीट कर दो, फेरस सल्फेट वर्ड सुनोगे तो एन फैक्टर कितना लगाओगे, 1, और लेकिन फेरस ऑक्सलेट वर्ड सुनोगे तो कितना एन फैक्टर लगाओगे, 3। फेरस ऑक्सलेट, इतना सा फर्क है बस, वहां सल्फेट था या ऑक्सलेट, ऑक्सलेट में कार्बन पर पे भी इफेक्ट आया है।
जब ये एन फैक्टर आपको याद हो जाएंगे तब आप इजिली क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे डाइक्रोमेट वाला भी देख लो, Cr2O7 2 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव कन्वर्ट होता है Cr+3 में। अगर मुझे डाइक्रोमेट का एन फैक्टर निकालना है तो यहां क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, Cr2O7 2 नेगेटिव में यहां +3, तो डिफरेंस कितने का आया देखो, +6 से +3 कितना डिफरेंस आया, 3 का। लेकिन इसमें कितने क्रोमियम है, दो, एक क्रोमियम नहीं है इसकी, एक स्पीसीज में दो क्रोमियम है, एन फैक्टर हो गया 6। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का एन फैक्टर 6, दोनों चीजें हैं। आपने 11th पढ़ा है, और अगर 11th अच्छे से किया है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो फिर भी 11th वाला पार्टी में बता रहा हूं आपको, या तो एक्सप्लेन करके अच्छी तरह से कर लो, नहीं तो साथ के साथ 12th कर लो, एक बार याद कर लो। तो दोबारा रिपीट करो, अगर मैं बोलूं के एम एन ओ फोर तो एन फैक्टर क्या होगा एम एन ओ फोर नेगेटिव में, बोलो बेटा, अगर के एम एन ओ फोर वर्ड आ जाए तो एन फैक्टर क्या लोगे, एन फैक्टर +7 के एम एन ओ फोर में एन फैक्टर क्या लेंगे। देखो बेटा नंबर वन, +5 हाँ देखो नंबर वन, कभी भी मैं एन फैक्टर बोलूं, मैंने पिछली बार बेटा आपको बोला था, हर बार आप +5 या -5 बोलते हो, और मैं हर बार आपको रोकता हूं कि एन फैक्टर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस होता है, इसलिए प्लस और माइनस तो होता ही नहीं है एन फैक्टर में। पहला पॉइंट ये। दूसरी बार मैंने आपसे पूछ रहा हूं के एम एन ओ फोर का एन फैक्टर क्या है, आपको तो फटाफट आंसर देना चाहिए कि सर 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता, आपको बोलना चाहिए कि सर 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यस 1 भी हो सर, सकता है, डिपेंड करेगा मीडियम पर। ये होता है बेटा नॉलेज, ऐसे होता है एक्सप्रेशन, ये होता है नॉलेज का, ऐसे एक्सप्रेस करना होता है, तभी कंपटीशन में सारी चीजें क्लियर होती है ना। आप बोलोगे सर आपने के एम एन ओ फोर बोला है तो आंसर तीनों पॉसिबल है, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। एसिडिक मीडियम बोलोगे तो हम दे देंगे 5, न्यूट्रल बोलोगे, एल्केलाइन बोलोगे तो देंगे 3, स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन बोलोगे तो देंगे 1। क्या मैं गलत बोल रहा हूं, बताओ। तो आंसर ऐसे आने चाहिए ना, जवाब ऐसे आने चाहिए नो बेटा आपके। तो देखो नो जैसे मैं बोलूं फेरस सल्फेट तो क्या एन फैक्टर होगा, 1, गुड। अगर मैं बोलूं फेरस ऑक्सलेट वन क्या एन फैक्टर होगा, 3। थ्री फिर देखो प्लस बोल दिया, तो प्लस बोलो एक चीज को कितनी बार पढ़ाने के बाद, एन फैक्टर में मैं कह रहा हूं प्लस माइनस होता ही नहीं है, फिर आप कह रहे हो +3। अपने आप को चेक किया करो बेटा, ये गलती है नहीं है, मैं बार बार जिस काम के लिए मना कर रहा हूं वही फिर बोल रहे हो। मैं कह रहा हूं एन फैक्टर में प्लस माइनस लगाना नहीं है, फिर आप कह देते हो सर +3। +3 नहीं बेटा, फेरस ऑक्सलेट का एन फैक्टर 3 है, वो डिफरेंस है, डिफरेंस में प्लस माइनस, मैथ में प्लस माइनस नहीं, डिफरेंस में प्लस माइनस नहीं होते। पोटेशियम डाइक्रोमेट का बताओ एन फैक्टर क्या होगा, सिक्स आउट ऑफ आउट मार्क्स क्यों नहीं आते हम इतना पढ़ के जाने के बाद, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ऐसी गलती कर देते हैं जिसको हमारा पता ही नहीं होता, हमें खुद को ही पता नहीं होता हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं, जैसे ये प्लस लगा रहे हैं या माइनस लगा रहे हैं। ऐसे ही देखो बेटा, अगर मेरे पास I2 है या I- है या I2 जो भी ले लूं, I2 को मैं I- में कन्वर्ट कर लूं, तो आयोडीन का एन फैक्टर निकालना है मुझे। तो देखो यहां आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, यहां आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, तो एन फैक्टर निकालना है तो दोनों का डिफरेंस लूंगा, डिफरेंस 0 से -1, 1 का आएगा, लेकिन I2 है तो 1 × 2, तो आयोडीन या क्लोरीन I- में कन्वर्ट हो तो एन फैक्टर कितना लोगे, 2 लोग। एनीवे पूरा चैप्टर है वो तो, एक आपका जो 11th क्लास के अंदर है, लेकिन जो जो आपके यहां आ सकते हैं मैंने कुछ के एन फैक्टर आपको लिखा दिए। अब प्रॉब्लम कैसे आएगा और सोल्व कैसे करना है, तो इसको आपने जो सर सोल्व करना है इस कॉन्सेप्ट से यूज करना है। हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो, सुन रहा हूं। इसमें हम ओनली 1 मोल का देखेंगे क्योंकि सर I-2 बनाएंगे ना हैं सर हम ओनली 1 मोल का देखेंगे सर हम ओनली हाँ, वन मोल का चेक करेंगे क्योंकि सर यहाँ पे एन फैक्ट कोई
एन फैक्टर वन स्पीसीज का होता है, वन स्पीसीज, उस स्पीसीज में जितने एटम हो उससे मल्टीप्लाई, जैसे आई टू एक स्पीसीज है, एक वन आई टू एक स्पीसीज है, तो एक आई के लिए जीरो से वन, एक आई के लिए वन का डिफरेंस है, तो लेकिन स्पीसीज तो आई टू है ना, तो उसमें आयोडीन तो दो है, तो दो इलेक्ट्रॉनों का चेंज किया होगा उसने, तो आप पर मोल की बजाय पर स्पीसीज या पर मोल कुछ बोला करो, पर देखना, चाहे पर मोल बोल दो फिर चाहे पर स्पीसीज बोल, ठीक है? जैसे ऊपर वाले में देखो, ओके पोटेशियम डाइक्रोमेट वाले में देखो, मैं ऊपर ले जाता हूं, पोटेशियम डाइक्रोमेट में पर क्रोमियम कितना चेंज आया था, देखो पर क्रोमियम चेंज कितना आया था, पहले क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 था, बाद में +3 था, कैलकुलेशन सोचो जरा, सोचो दिमाग लगाओ, +6 से +3 कितने का डिफरेंस आया था, थ्री का लेकिन एक क्रोमियम में आया था ना, लेकिन इस स्पीसीज में कितने क्रोमियम है, मैं क्रोमियम नहीं देखूंगा, मैं स्पीसीज देखूंगा, डाइक्रोमेट आयन, तो डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम कितने थे, टू इसीलिए तो मैंने 3 × 2 करके 6 निकाला, तो पर स्पीसीज में कितने एटम है वो टू कैलकुलेशन देना होता है हमें। अब आता है कि ये जो मैं नॉलेज बताया इसका यूज कैसे करोगे, जब भी कोई प्रॉब्लम हो फॉर न्यूमेरिकल, देखो इनऑर्गेनिक में हम न्यूमेरिकल बनाने जा रहे हैं, तो आप जिसकी भी रिएक्शन कराओ उसके इक्विवेलेंट इक्वल कर दो, इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बी यूज करोगे, आप ये कॉन्सेप्ट यूज करोगे, और इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा, इसका बेसिक फार्मूला होता है मोल इंटू एन फैक्टर, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होगा मोल इंटू एन फैक्टर, अगर मुझे मोल पता है तो मैं लिख सकता हूं इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंट बी, या तो ये यूज करो या सीधा ये यूज करो, मोल इंटू एन फैक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर ऑफ बी, तो आपका 1 सेकंड में क्वेश्चन शॉर्ट आउट हो जाएगा बेटा, न्यूमेरिकल। प्रॉब्लम कैसे आएगा, सपोज मैं ऐसे प्रॉब्लम दूंगा, प्रॉब्लम लिखूंगा हाउ मैनी मोल ऑफ KMnO4 इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज टू पॉइंट फाइव मोल ऑफ फेरस सल्फेट इन एसिडिक मीडियम, हाउ मेनी मोल ऑफ KMnO4 इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 2.5 मोल ऑफ फेरस सल्फेट इन एसिडिक मीडियम। अब देखो बेटा हमें ये जीरो सोल्व पॉइंट करना है ऐसे, तो कितना इजी है अगर कंसेप्ट लगाएं, मुझे ये पता है कि मेरे पास दो स्पीसीज हैं, एक KMnO4 है, तो मैं क्या करूंगा सॉल्यूशन में, मोल इनटू एन फैक्टर ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू लिख दूंगा मोल इनटू एन फैक्टर ऑफ फेरस सल्फेट, अगर मुझे एन फैक्टर ध्यान है तो मेरा क्वेश्चन तो हुआ पड़ा है, देखो मोल ऑफ KMnO4 तो निकालने हैं ना, KMnO4 के मोल, सपोज एक्स, एन फैक्टर एसिडिक मीडियम में बताओ बेटा KMnO4 का एन फैक्टर कितना लूं, फाइव, सर फाइव प्लस फाइव, फाइव फाइव आ गया, बुक इज इक्वल टू मोल फेरस सल्फेट के दे रखे हैं देखो, और एन फैक्टर बताओ बेटा फेरस सल्फेट का कितना लूं, वन वन, वन तो हो गया ना क्वेश्चन आपका सोल्व, एक्स इज इक्वल टू 2.5/5 कितना सॉल्यूशन आ जाएगा, 0.5 मोल और एन फैक्टर आप जो है वो यूज कर लो, मोल और एन फैक्टर, क्लियर, कोई डाउट बेटा, चलूं आगे, देखो अब मैं एक प्रॉब्लम देता हूं, अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ, इसी क्वेश्चन को मैंने ऐसे दे दिया, सपोज हाउ मैनी मोल ऑफ KMnO4
इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट इन एसिडिक मीडियम। बनाओ बेटा, कैसे सोल्व करोगे? हाउ मेनी मोल ऑफ KMnO4 इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट इन एसिडिक मीडियम? सर 0.0.05 0.6। देखो बेटा, कॉन्सेप्ट आ गया, फिर तो इतने न्यूमेरिकल और इतने लंबे लंबे तो मैं बता ही नहीं रहा, मैं तो शॉर्टकट में सिखा रहा हूं ये सारे कॉन्सेप्ट। तो क्या है आपका, आपको क्या लिखना है? मोल इनटू एन फैक्टर, जिस जिसकी रिएक्शन कराने लगा दो, KMnO4 इज इक्वल टू मोल इनटू एन फैक्टर, किसका लगाना है आपकी बार? फेरस ऑक्सलेट। तो मोल बताओ निकालने, KMnO4 के एन फैक्टर एसिडिक मीडियम वापस आ गया, कितना लगाऊं बेटा? 5 इज इक्वल टू मोल फेरस ऑक्सलेट का दे रखा है, और फेरस ऑक्सलेट का एन फैक्टर कितना लोगे आप? देखो काम आ रहा है ना यहां पर, तो एन फैक्टर का अगर नॉलेज है आपको तो यही न्यूमेरिकल, कोई बैलेंसिंग नहीं, कुछ नहीं करना आपको, सीधा क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। फेरस ऑक्सलेट का कितना आएगा बेटा एन फैक्टर? सर 3 3। तो एक्स 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.5 3.5, मतलब 0.6। इसी को आप इक्विलेंट वेट वाले न्यूमेरिकल भी इसी से आप सोल्व कर सकते हो आप। अब यही प्रॉब्लम मैं ऐसे दे दूं, मैं आपको ऐसे लिख देता हूं, इन आयोडोमेट्री पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज द आयोडीन इन आई नेगेटिव आयन। बाई फॉलोइंग इक्वेशन, K2Cr27 या Cr2O7 कुछ भी लिख दो, प्लस I2 एसिडिक मीडियम में, ये Cr+3 में कन्वर्ट हो गया और I नेगेटिव में कन्वर्ट हो गई। इफ ये सीधा ही लिख दो, कैलकुलेट द इक्विलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7, ये दे दिया मैंने, कैलकुलेट द इक्विलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7। तो देखो बेटा कैसे सोल्व करोगे K2Cr2O7, तो सिंपली आपको तो ये देखना है K2Cr2O7 में चेंज किया हुआ है। देखो K2Cr2O7 इटसेल्फ किस में चेंज हुआ? क्रोमियम Cr+3 प्लस थ्री, और इसकी भी जरूरत नहीं है आपको, तो डायरेक्ट याद था ना एन फैक्टर पोटेशियम डाइक्रोमेट का कितना होता है एसिडिक मीडियम में, कितना किया था? फिर गलत कर दिया ना बेटा, 6। 6 6 यहां पर पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, इधर देखो +3, +6 से +3 ठीक डिफरेंस आया 3 का, लेकिन क्रोमियम 2 थे तो 3 × 2 करके 6 नहीं किया था हमने। तो इसका मतलब, इसका अगर मुझे इक्विलेंट वेट निकालना है तो जो फार्मूला वेट होगा K2Cr2O7 का वो निकाल भी सकते हो आप, डिवाइडेड बाई एन फैक्टर होगा। तो सपोज एम ही ले लूं मैं तो बाई 6, M-6 आ जाएगा। या आपको कैलकुलेट करना है तो कर लो, एक पोटेशियम का कितना होता है 39 × 2, क्रोमियम का होता है 52 × 2 एटॉमिक वेट, ऑक्सीजन का 16 × 7, तो एक्यूरेट वैल्यू भी निकाल सकते हो भाई 6।
तो इवन बेटा हम इसका इक्विलेंट वेट भी निकाल सकते हैं। तो जो आपको अगर एन फैक्टर के नॉलेज हो जाएं, क्योंकि KMnO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट दोनों ही काफी, मैं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए सिर्फ प्लस टू पर बेस नहीं पढ़ा रहा, प्लस टू में तो इस बार सिलेबस में निकाल भी दिया है आपको बोर्ड के अंदर, तो ये वाला K2Cr27 और KMnO4 दोनों ही कट कर दिए हैं। बट कॉम्पिटिशन के अंदर क्या है कि आपके नोमेरिकल भी आ सकते हैं, तो ये दो केमिकल आपके जो है वो काफी इम्पोर्टेंस रखते हैं इसके अंदर। K2Cr27 इसकी रिएक्शन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी इम्पोर्टेंस रखती है, और इधर भी। तो जितनी रिएक्शंस आपको दी हैं उन रिएक्शन को आपने ध्यान रखना है, और कुछ क्या है थोड़े बहुत और कंपाउंड्स हैं उनके पॉइंट्स वो ध्यान रखने हैं आपने। तो मैं वो थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ आपको, उनमें सिर्फ जो पॉइंट बताऊं वो करना है, ज्यादा नहीं करना उनके अंदर, इनके अंदर डिटेल्स करनी है। जैसे नेक्स्ट, जैसे सिल्वर नाइट्रेट को लूनार कास्टिक बोलते हैं, इसमें काफी शाइनिंग होती है। लूनार मतलब जैसे चांद में चमक जो होती है उसको लूनार बोला जाता है। तो लूनार कास्टिक, सिल्वर नाइट्रेट, लूनार कास्टिक, फार्मूला ध्यान रखना है आपने। टोलन रिएजेंट आ ही जाएगा वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन फार्मूला याद कर लेना, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को लूनार कास्टिक बोलते हैं। रिएक्शन सबसे जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी वो सोडियम थायोसल्फेट के, मैंने फोटोग्राफी में भी बताई थी आपको, AgNO3 सोडियम थायोसल्फेट। देखो वही बात है, ये याद करने ऐसे नहीं याद की जाती रिएक्शन, ये नॉलेज से याद की जाती है। Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1, और लिगेंड थायोसल्फेट है S2O3 टू नेगेटिव, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2 सिल्वर का। तो इसके इसके साथ दो थायोसल्फेट आयन अटैच हो जाएंगे, दो थायोसल्फेट आयन अटैच हो जाएंगे तो ये आपका Ag S2O3 2 बन जाएगा। ओवरऑल चार्ज निकाल लो, देखो कितना हुआ, ये 2 -2 -4 +1, तो -3 आ गया। ये जो होता है ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। फोटोग्राफी में AgBr को रिमूव करने के लिए भी ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट फिर देना है आपने फेरिक क्लोराइड, FeCl3, फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड अगर वाटर के अंदर बनाओगे तो हमेशा हाइड्रेटेड फॉर्म में बनेगा ये, लेकिन एग्जाम में आता है अगर हमें वाटर वाला नहीं बनाना, एनहाइड्रस बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो डायरेक्ट आयरन और क्लोरीन की रिएक्शन से बनाते हैं। एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग ड्राई क्लोरीन गैस ओवर हीटेड आयरन फिलिंग, तो डायरेक्ट FeCl3 बन जाएगा। इसमें आपके पास फेरिक क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर पूछा जाता है, वो फेरिक क्लोराइड का स्ट्रक्चर जो पूछा जाएगा वो आपसे पूछा जाएगा, जैसे वेपर में ये डाइमराइज होता है, इट्स वेपर डेंसिटी सजेस्ट द डाइमराइक फॉर्म। तो डाइमराइज जब ये होता है तो FeCl Cl, ये दो नॉर्मल बॉन्ड इसके भी होते हैं, दो इधर वाले के भी नॉर्मल बॉन्ड होते हैं, लेकिन बीच वाला जो Cl होता है इसका और इसका, ये दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देके एक एक बॉन्ड ऐसे बना लेता है। इसलिए जो बीच वाले बॉन्ड होते हैं, जो इसके अंदर एटम देखोगे तो आयरन क्लोरीन आयरन, इसलिए इसको बोलते हैं 3 सेंटर, और इलेक्ट्रॉन देखोगे तो इसमें 1 2 3 4, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं इसमें, तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बीच में होते हैं, ऐसे 2 बॉन्ड होते हैं, और जो बाहर वाले साइड वाले होते हैं वो नॉर्मल बॉन्ड होते हैं टर्मिनल वाले, उसमें 2 एटम ही होते हैं आयरन और क्लोरीन, तो इसको बोलते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नॉर्मल बॉन्ड, और ऐसे जो होंगे वो आपके 4 होंगे साइड वाले। तो डाइमर में जो आपको ये ध्यान रखना है कि एनहाइड्रस जो फेरिक क्लोराइड होता है उसकी वेपर स्टेट में डाइमर होता है, और उस डाइमर में स्पेशली सेंटर पॉइंट पे 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के साथ आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो आपका फेरिक क्लोराइड है
फेरिक क्लोराइड इस लिगेंड के साथ, SCN के साथ, SCN ब्लड रेड कलर बनाता है, Fe आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट Fe+3, SCN लिगेंड है, SCN नेगेटिव, ये इसके साथ टू लिगेंड इसमें स्पेशली अटैच होते हैं, तो बैलेंस करने के लिए कितना बन जाएगा, F3 आ जाएगा ना बैलेंस करने के लिए, 3+3, 3 नेगेटिव, तो Fe SCN thrice, जो इसका कलर होता है Fe SCN thrice का कलर, ये होता है ब्लड जैसा रेड, तो ये कई बार पूछ लेते हैं ब्लड रेड कलर किसके साथ आता है आयरन का, FeCN के साथ। वैसे ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहाँ जो पॉइंट्स हैं तो एक एक दो दो जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट वो आपने ध्यान रख लेना। फिर ये आता है आपका कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रोल, ये आपके पास तीन होते हैं बेटा, ये बेसिक जनरल केमिस्ट्री है, 10th से स्टार्ट होती है आपकी। एक आपने पढ़ा होगा ब्लू विट्रोल, एक आपने पढ़ा होगा ग्रीन विट्रोल, है ना, और एक ने आपने पढ़ा होगा व्हाइट विट्रोल। ब्लू विट्रोल क्या होता है, कॉपर वाला, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। ग्रीन विट्रोल होता है आयरन वाला, फेरस सल्फेट 7H2O। व्हाइट विट्रोल होता है जिंक वाला, ये दोनों अलग टाइप के होते हैं, ये अलग टाइप का होता है। इसकी पहचान क्या होती है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ब्लू विट्रोल। इसकी स्ट्रक्चर जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू विट्रोल, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू विट्रोल में दिखने में आपको ऐसे लगता है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, लेकिन इसको याद ऐसे करोगे कॉपर, कॉपर के साथ 4H2O मॉलिक्यूल, 2 पॉजिटिव आयन अलग होता है, सल्फेट आयन अलग होता है आपका, और बीच में एक वाटर मॉलिक्यूल होता है, इनको अटैच करता है, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है, आपने ऐसे याद करना है। तो ऐसे याद करना है तो पूरी स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे आप, देखो कॉपर हमने उसमें किया था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, कॉपर वाटर और अमोनिया के साथ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा कॉपर का DSP2 होगा, तो कॉपर के साथ 4 वाटर मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड अटैच रहेंगे, H2O H2O, ये पूछी जाती है बेटा एग्जाम में इसकी स्ट्रक्चर, जो थोड़ा सा मुश्किल लगने लग जाए तो समझ लो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो सीधा सीधा लग रहा है तो वो इंपॉर्टेंट कम है कंपटीशन में, सीधा सा पॉइंट ही है SO4 टू नेगेटिव, इधर 2 पॉजिटिव इधर 2 नेगेटिव, बीच वाला जो एक H2 होता है इन दोनों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू बाइंड करता है OH, तो टोटल 5 वाटर मोलिक्यूल में 4 तो लिगेंड है और एक जो है दोनों आयन्स को हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू बाइंड कर रहा है, ऐसे देखो इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 4 जगह पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होता है। तो इसमें जो H2O पढ़ते हो तो जनरल, अभी फिर केमिकल बॉन्डिंग में चले जाओ 11th में, वाटर का हाइब्रिडाइजेशन तो SP3 रहता ही हमेशा, SP3 SP3 SP3, चारों वाटर का, इसका भी SP3 और सल्फेट आयन का भी SP3 हाइब्रिडाइजेशन है सल्फर का, और कॉपर का DSP2 है। तो अब क्वेश्चनिंग आएगी, देखो अब क्वेश्चनिंग कैसे आएगी, मैं उससे चलता हूं, एग्जाम में आपके पास क्वेश्चनिंग आएगी। तो कॉपर सल्फेट में टोटल वाटर मॉलिक्यूल कितना होता है बेटा, ब्लू विट्रोल में, ब्लू विट्रोल में देखने में फार्मूला देखने पर देखो वाटर मॉलिक्यूल कितने लगते हैं आपको,
CuSO4 फाइव एच टू, लेकिन इस फाइव में से फोर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लिगेंड का वर्क करते हैं, फोर एच टू ओ एक्ट एज लिगेंड, पांच के पांच नहीं करते, फोर करते हैं कॉपर के साथ, विद कॉपर। तो एक वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या करता है, इन दोनों आयन को, कैटायन और एनायन को, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू बाइंड करता है, वन एच टू ओ हाइड्रोजन बॉन्डेड विद कैटायन, कैटायन कौन सा है, सी यू एच टू ओ फोर टू पॉजिटिव आयन, एंड एनायन, एनायन कौन सा है, एसओ फोर टू नेगेटिव, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू विट्रोल कर रहे हैं। अच्छा अब सब कुछ आपके सामने है बेटा, मुझे बताओ अगर क्वेश्चन आ जाए तो कॉपर सल्फेट में कौन कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट है बताओ, टाइप्स ऑफ सर एनायन वो कैट आयनिक बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है। इन ब्लू विट्रोल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि ब्लू विट्रोल में कौन कौन से टाइप की बॉन्डिंग है, तो सारी ही तो है बेटा, देखो ये प्लस और माइनस वाली, ये बॉन्डिंग कौन सी होगी, अट्रैक्शन होगा प्लस माइनस वाला, मतलब कौन सी बॉन्डिंग बताओगे आप, आयनिक, आयनिक बॉन्डिंग। और ये देखो ये वाले कौन से बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ के आए हो, लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम वाले, कोऑर्डिनेट बेटा, डेटिव जिसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्डिंग। और O और H के बीच वाले ये बॉन्ड कौन से होते हैं, ये जनरल कोवलेंट है, कोवलेंट भी प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेट भी प्रेजेंट है, और इवन ये वाली बॉन्डिंग जो बनाई थी ये कौन सी वाली थी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसलिए देखो कितना इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो जाता है। अब बोर्ड में स्कूल में तो कभी कोई पूछेगा ही नहीं, सिर्फ कॉम्पिटिशन्स में पूछी जाती हैं चीजें कि कौन कौन से टाइप वाली बॉन्डिंग प्रेजेंट है ब्लू विट्रोल में, तो ब्लू विट्रोल का जैसा फार्मूला लगता था वैसा कुछ है ही नहीं, उसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, बॉन्डिंग सारे टाइप की प्रेजेंट है उसमें, आयनिक बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सब प्रेजेंट। दूसरी बात, इसमें अगर क्वेश्चन ये आ जाए हाउ मैनी sp3 हाइब्रिडाइज एटम इन ब्लू विट्रोल, ये एग्जाम में आ गया। अब ये एग्जाम में जिसने ये पढ़ा ही नहीं होगा वो आंसर कभी दे ही नहीं सकता, इसको स्ट्रक्चर सारा क्लियर नहीं होगा वो इसका क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं दे पाएगा, जिसने याद किया होगा वो एक सेकंड लगाएगा। अब देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कौन को कितने एटम है और कौन कौन से वाले हैं, पांच के पांच वाटर मॉलिक्यूल है तो वो सारे फाइव के फाइव वो हाइब्रिडाइज्ड होंगे, पांच के पांच वाटर मॉलिक्यूल, वाटर का हाइब्रिडाइजेशन हमेशा ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, फाइव वाटर होंगे और सल्फेट आयन, तो इसका मतलब मुझे ये पता है कि मेरा फार्मूला ये है CuSO4.5H2O, तो मुझे ये पता है 11th क्लास में मैंने पढ़ा है कि एक तो वाटर वाले होंगे तो फाइव तो वाटर वाले sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे और एक सल्फेट आयन होता है sp3, तो क्या आंसर दोगे टोटल सॉल्यूशन में, सिक्स एटम, सिक्स, और सिक्स में क्या फाइव वाटर, वाटर और वन सल्फेट आयन, क्योंकि कॉपर जो है कॉपर, कॉपर का तो sp3 है नहीं, कॉपर का तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है कॉपर का, तो इस टाइप से आपसे स्ट्रक्चर पूछा जाता है ब्लू विट्रोल सा, ब्लू विट्रोल आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ब्लू विट्रोल के साथ मैंने दो विट्रोल और दिए थे बेटा, दो विट्रोल और बताए आपको, एक व्हाइट विट्रोल बताया है और एक ग्रीन, इसमें जो ग्रीन विट्रोल है वो है फेरस सल्फेट, उन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, लेकिन ग्रीन विट्रोल देखो है आयरन लेकिन ग्रीन,
ग्रीन जैसे आपके सलेट का कलर होता है, बोर्ड का कलर होता है, वैसा सा ग्रीन। ग्रीन विट्रोल जो है वो आपका होता है फेरस सल्फेट। और ये इंटरेस्टिंग है, इसका हीटिंग इफेक्ट, जब आप फेरस सल्फेट को हीट करते हो तो आयरन का ऑक्साइड, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है SO2 और SO3 गैस दोनों बनती हैं। तो FeSO4 ऑन हीटिंग दोनों देता है, SO2 गैस भी देता है और SO3। ऐसा कोई इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा हो तो इसका मतलब वो आपका फेरस सल्फेट। और एक आपको कॉपर सल्फेट की एक रिएक्शन और बताई थी, वहीं पे मैं क्लोज करूंगा आज का टॉपिक। कॉपर सल्फेट के अंदर मैंने एक रिएक्शन बताया था कि कॉपर सल्फेट का जब केसियन के साथ रिएक्शन करोगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट की थी जहां से आपने, तो मैंने बोला था कॉपर सल्फेट का केसियन के साथ रिएक्शन करोगे तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, परफेक्ट जो हमने पढ़ा था, लेकिन धीरे धीरे याद होगा, अभी चीजें शायद याद नहीं आ रही होंगी पिछला चैप्टर। तो K3 बोला था मैंने, K3 आएगा, K3CuCN4। तो KCN के साथ ना तो K4 बनता है ना K2 बनता है, KCN के साथ। तो ये रिएक्शन भी कॉपर सल्फेट की जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि अगर हम कॉपर सल्फेट का रिएक्शन KCN से दें, कॉपर सल्फेट का रिएक्शन हम KCN से दें, रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद, दो दे देता हूं मैं, दो पार्ट, ए केसीएन से, नंबर दो, रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद केआई से, दोनों इंपोर्टेंट रिएक्शन है बेटा। कॉपर सल्फेट की जब भी केसीएन से रिएक्शन करनी हो, कॉपर सल्फेट केसीएन, तो कॉपर सल्फेट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रखना है, और केसीएन यहां +2 है, जब आप रिएक्शन करोगे तो ये बनाएगा K3CuCN4। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, K3CuCN4 मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाता है, +2 से यहां निकालोगे तो +1 आएगा सीएन का। तो कॉपर सल्फेट K3CuCN4 में कन्वर्ट होता है। इसी टाइप से KI जो है, KI का रिएक्शन जब कॉपर सल्फेट से कराते हैं, तो कॉपर सल्फेट KI से रिएक्शन करके क्यूप्रस आयोडाइड देता है, यहां भी +1 के अंदर जाता है ये, क्यूप्रस सल्फेट KI से रिएक्ट करके CuI2 और I2 भी देता है, बाकी K2SO4 वगैरह बनेगा। तो ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें देखो आयोडीन डायरेक्ट नहीं बन रही, रिएक्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन आयोडीन बन रही है, जब आयोडीन ड्यूरिंग द रिएक्शन बनती है, आयोडीन आयोडीन इज फॉर्म इनडायरेक्टली, ये भी 11th का पार्ट है रिडोक्स वाला, बाय द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड KI, तब इसको बोलते हैं आयोडोमीट्री, आयोडो, अगर डायरेक्ट आयोडीन यूज होती है तो आयोडी, नहीं तो इसको आयोडोमीट्री बोलते हैं। ये आयोडीन यूज हो रही है जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था, कि ये आयोडीन फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन करेगी Cr2O7, अभी जैसे रिएक्शन किया था आपने I2 एसिडिक मीडियम में, और ये Cr+3 आयन बना देगा और आई नेगेटिव बन जाएगा। तो ये टाइट्रेशन होती है आयोडोमीट्री। तो कॉपर सल्फेट की KI से रिएक्शन करते हो तो सेम रिएक्शन देखो, कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये क्यूप्रस आयोडाइड जो व्हाइट कलर का होता है, कलरलेस होता है, अभी मैंने डी ब्लॉक में बहुत सारे क्वेश्चन भी दिए थे, Cu+1 के अंदर है, +1 में व्हाइट मतलब कलरलेस होता है। तो ये दोनों रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, कॉपर सल्फेट का रिएक्शन केसीएन से, तब भी कॉपर +2 से +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉपर सल्फेट का KI के साथ रिएक्शन करोगे तो भी आपका कॉपर जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर चेंज हो जाएगा, +2 से +1। तो दोनों रिएक्शन ध्यान रखनी है, केसीएन, ये आपकी बोर्ड में भी आ सकती है, केसीएन के साथ और केआई के साथ। एक बार बेटा एंड में रिपीट कर दो, ब्लू अगर क्वेश्चन आ जाए ग्रीन विट्रोल, तो किसको बोलते हैं ग्रीन विट्रोल?
CuSO4.5H2। Fe(SO4.7H2) को ग्रीन विट्रोल बोलते हैं। कौन से वाले विट्रोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है? ब्लू विट्रोल में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ब्लू विट्रोल इसकी इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो स्पेशल स्ट्रक्चर है, और वो सारी स्पेशलिटी हमने अभी की थी। जो आपका ब्लू विट्रोल होता है उसमें sp3 हाइब्रिडाइज कितने एटम होते हैं? सिक्स सिक्स। कौन कौन से? 5H2 और 1 सल्फर। 1 सल्फर सल्फेट आयन वाला और 5 ऑक्सीजन वाले, ठीक है। कॉपर का हाइब्रिडाइजेशन या शेप क्या होता है इसमें ब्लू विट्रोल में? डीएसपी2 स्क्वायर प्लेनर। dsp2 और शेप स्क्वायर प्लेनर। अगर कॉपर सल्फेट का रिएक्शन, स्क्वायर प्लेनर। कॉपर सल्फेट का रिएक्शन साइनाइड आयन या आयोडाइड आयन जैसे KCN या KI से रिएक्शन कराएं कॉपर सल्फेट की, तो क्या स्पेशलिटी है कॉपर सल्फेट में? कॉपर में क्या चेंज आता है सर? +1 में आ जाता है कॉपर। प्लस वन में आ जाता है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखो किसी बच्चे ने मेरे से पूछा भी था, तो मैंने कहा था कि कॉपर में जनरली +1 से ज्यादा स्टेबल कौन होता है? +2 होता है जनरली, ज्यादा स्टेबल +2 होता है। तो कॉपर +2 में जनरली ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन कुछ केसेस में +1 के साथ भी ये स्टेबल हो सकता है, वो है साइनाइड आयन या आयोडाइड आयन। क्लोराइड आयन के साथ नहीं होगा, क्लोराइड में फिर वो वापस +2 में स्टेबल हो जाएगा, वाटर के साथ +2 में स्टेबल हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी क्योंकि रिवर्स है, बैक है। तो कॉपर सल्फेट +1 में ज्यादा स्टेबल है, एक तो साइनाइड के साथ और एक आयोडाइड के साथ, जैसे Cu2I2 में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है और एक K3CuCN4। तो ये बेटा कुछ डी ब्लॉक एंड उसके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। क्लियर? अब बेटा पूछो वो कौन सा, एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था वो लास्ट में दोबारा, कौन सा था आप बोलो सर। 88 था। क्या क्वेश्चन था, है आपके सामने अभी? सर प्रेजेंट कर दूं? प्रेजेंट करोगे तो मैं उड़ जाऊंगा उसमें, प्रेजेंट कर दोगे तो। एक मिनट रुको, मैं देख लेता हूँ इधर कहीं होगा, निकाल लेता हूँ। बोल दो, थियोरेटिकल क्वेश्चन ही तो होगा। सर मैं निकालता हूँ मेरी गैलरी में। नहीं, अगर आप प्रेजेंट करोगे ना तो फिर ये क्या है, आपके प्रेजेंट से मैं फिर वो हो जाऊंगा, हट जाऊंगा यहाँ पर, वो एक जना ही वो हो सकता सर, है ना मैं उसमें। बोल हाँ रहा हूँ। बोल, हाँ बोल दो। बोलने से क्या है कि फिर सर इसमें क्वेश्चन है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज फ्रॉम टाइटेनियम टू कॉपर। तो इसका ऑप्शन 1 है इंक्रीज एच एटॉमिक नंबर इंक्रीज, ऑप्शन बी हो रहा है, ऑप्शन बी है सर डिक्रीज एच एटॉमिक नंबर इंक्रीज, ऑप्शन सी अच्छा सर डू नॉट शो एनी चेंज एज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन इनर n-2d ऑर्बिटल, और सर डी ऑप्शन है इंक्रीज फ्रॉम टाइटेनियम टू मैग्नीज एंड डिक्रीज फ्रॉम मैग्नीशियम टू कॉपर। अच्छा, तो आईपी वैल्यू का ट्रेंड क्या किया था हमने, आईपी वैल्यू जब किए थे डी ब्लॉक का, तो स्कैंडियम था, स्कैंडियम 3D सीरीज में कह रहा है ना, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक। हमने जनरली पढ़ा था कि अगर 3D सीरीज है, इन 3D सीरीज, 3D सीरीज पढ़ा था, तो हाईएस्ट आईपी किसका पढ़ा था, जिंक का, और लोएस्ट आईपी स्कैंडियम का, लोएस्ट आईपी। और इन अमोंग ऑल में पढ़ा था हमने, इन अमोंग ऑल तब हमने पढ़ा था हाईएस्ट आईपी किसका पढ़ा था, आयनाइजेशन पोटेंशियल सर लैंथेनम का। नहीं, नहीं लैंथेनम का हाईएस्ट नहीं था, हाईएस्ट मरकरी का था, हाईएस्ट मरकरी था का था। मरकरी। तो हमें तो 3D में देखना है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि इधर से इधर जाते हैं तो आईपी वैल्यू इंक्रीज हो रहे हैं, तभी तो जिंक मैक्सिमम आ रहा है और स्कैंडियम
मिनिमम आ रहा है। और अच्छा बाकी जो सर, तो एस और बेटर तो फिर क्या कहते हैं, और डी और बेटर की स्टेबिलिटी तो देखनी नहीं। ओके सर, समझ गया। समझ गए ना, तो हमें क्या ट्रेंड देखना है। तो क्या आंसर आ जाएगा, अब अपने ऑप्शन ये में से आ जाए आंसर देख, बस सर। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी आईपी वैल्यू, क्योंकि धीरे धीरे प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। ओके सर, यस सर, बाय। ओके बेटा बाय। ओके नाउ आई एम लीविंग। अब आपको इसमें एफ ब्लॉक, गुड इवनिंग बेटा, गुड नाइट। अभी एफ ब्लॉक का नेक्स्ट क्लास में अपने देखेंगे, फिर मेटलर्जी स्टार्ट करेंगे। इसका डीपीपी में दो तीन है, तो क्वेश्चन अच्छे तरह से कर लेना, डीपी भेजूंगा। और तुम्हारा पेपर में जो आंसर किया है वो मैं देखता हूँ, लेट मी चेक।